बस्तर में चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का जिम्मा खुद पीसीसी अध्यक्ष उठा लिया है। जगदलपुर के कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी सभी उसे जिताकर विधानसभा भेजेंगे। संभाग की सभी 12 सीटों पर फतह हासिल करना उनका पहला लक्ष्य है। पार्टी का सबसे मजबूत स्तंभ कार्यकर्ता है जो मुखिया का दायित्व निभाता है। भाजपा बस्तर में धर्मांतरण की आग लगाकर उसी धर्म के लोगों की टिकट दे रही है। बस्तर के आदिवासी जान चुके हैं उन्हें कौन बरगला रहा है। आदिवासी समाज कांग्रेस के साथ है और आगे भी रहेगी। उड़ीसा के नहीं है ये लोग, देश के सभी राज्यों से विधायकों को बुला के यहाँ काम करा रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हार मान चुकी है। नंबर एक, नंबर दो, इनको छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर भरोसा नहीं है। नंबर तीन, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। नंबर तीन, नंबर चार, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार मान चुकी है और बाहर देश के, मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर देश के नेताओं को इनकमिंग कर रही है, इनकमिंग कर ये चुनाव जीतना चाह रही है। इसका मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी खुद के ऊपर भरोसा उठ चुका है नंबर एक, और यहाँ का माहौल वो बिगाड़ना चाह रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, चाहे विदेशी भी नेता ला ले, ट्रंप ला ले, मोदी का तो ट्रंप से अच्छा दोस्ती है, वो ट्रंप को भी ला ले तो छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस बहुमत से सरकार जीत के बनाए, भारतीय जनता पार्टी कोई अस्तित्व नहीं है। बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बस्तर से खत्म हो चुका है। आदिवासी है किसके? आदिवासी कांग्रेस के साथ है, उड़ीसा के नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।